हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो मुझे पता है मेरी बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा आप इंतजार कर रही कि सर जल्दी से बता दीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, हमारे छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या जाने वाला है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए क्या जाने वाला है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए क्या जाने वाला है, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज के लिए क्या जाने वाला है। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको पता है मैं तो सब कुछ बताता ही हूँ आपको, और जैसा मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तो अपन सब पे डिस्कशन करेंगे। और मुझे पता है मेरी बच्चा पार्टी, जिस भी बच्चा पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी, उसका एग्जाम अच्छा गया है। और अगर कोई बच्चा पार्टी ऐसी है जिसने बहुत मेहनत की थी उसके बावजूद भी उनको उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिल रहे, तो टेंशन नहीं लेना यार। आपने युद्ध में लड़ाई करते हैं ना, तो क्या होता है, चोट लगती है, लग गई थोड़ी सी चोट, खा लेंगे, दो चार दिन रोएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, फिर से तैयार हो जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, कोई बात ही नहीं है। दर्द होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत किया है, ईमानदारी से इतना मतलब हार्डवर्क किया, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि थोड़ा सा होता है, ताक्षणिक इंसान की फितरत होती है कि जब वो हारता है तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन दो प्रकार के इंसान होते हैं इसके बाद, एक वो होते हैं जो हार कर क्या होते हैं, रुक जाते हैं, भैया बोलते हैं अब तो हमसे हो ही नहीं सकता। और दूसरा इंसान वो होता है जो हार कर सीखता है और वो गलती को रिपीट नहीं करता और इतनी बड़ी सफलता हासिल करता है ना कि उसको ये लगता है कि जो मेरी हार हुई थी ना वो सही हुई थी, क्योंकि मुझे इससे बड़ा सफल इंसान बनना था, इससे ज्यादा नंबर मेरे आने थे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। मैं आपको आपको ये चीज आप जानते हो कि मैं जो आपको बताता हूँ बहुत सोच समझ के बताता हूँ, एनालिसिस करके बताता हूँ। ऐसा नहीं कि बस आया और कुछ भी बोल दिया और चले गए, ऐसा नहीं। आपको पता है मेरा एक-एक नंबर, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, एक-एक नंबर मेरा वही जाता है जो मैं आपको बताता हूँ। इस बार बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेंगे आपको, एससी और एसटी कैटेगरी के कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेंगे, और वो बढ़ेंगे कि कम होंगे वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, और ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई जो हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो कट ऑफ जाने वाला है हमारा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया, या डेंटल कॉलेज हो गया, वेटनरी कॉलेज हो गया, इनके लिए जो जाने वाला वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेनली तीन फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है, और तीनों फैक्टर्स अब मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत ही करेक्ट, बहुत ही एग्जैक्ट एनालिसिस करके आपको ये बता सकता हूं कि हमारा इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल निराश नहीं होना, ये ध्यान रखो, जिसका नंबर कम आ रहा है निराश होने की बात नहीं, आपने मेहनत की है ना, अरे युद्ध लड़ा है ना, 19 लाख लोगों के साथ युद्ध लड़ा है ना, हो गए ताक्षणिक हार है यार, दो दिन रोना गाना, तीसरे दिन से खड़े हो जाना, फिर से लड़ने के लिए तैयार, हम हैं पहलवान, हमसे कौन जीतेगा यार, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और मैं तो हूं हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, कि कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है एग्जाम के लिए। दूसरा क्या हमारा, नंबर ऑफ सीट्स, जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेने चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। और तीसरा हमारा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, जो आपने एग्जाम दिया उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, या लास्ट ईयर के 4-5 ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो क्या था, इस सब पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि इस बार जो हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बढ़ चुके हैं, आपको पता है हर साल बढ़ते हैं, 3 से 4 हजार बढ़ते हैं। पहले आपको पता है 2020 में आपके 28 हजार के आसपास थे, 2021 में जो आपके हुए वो 32 हजार के आसपास हुए, और अभी जो हुए वो 35 हजार के आसपास हुए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो यहाँ पे बढ़ गए हैं। दूसरा है नंबर ऑफ सीट्स, अभी नंबर ऑफ सीट्स में कॉन्स्टेंट लेके चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो अभी 7 ही है, और वो कौन कौन से वो सब आप जानते हैं, तो मैं फिर से बताने वाला नहीं हूँ। अब आप ये भी बोलोगे सर महासमुंद खुलने वाला है कि नहीं, कोरबा का क्या हुआ, चंदूलाल का क्या हुआ, तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, अभी इनका इन्फेक्शन चल रहा है, मे भी हो सकता है, मिल भी सकती है परमिशन, नहीं भी मिल सकती, लेकिन अपन पॉजिटिव रहते हैं कि मिल जाएगी परमिशन। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही जीना चाहिए। ठीक है, तो अपन पॉजिटिव रहते हैं और मुझे लगता है कि एक ना एक कॉलेज तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम की, जो कि आपका आज ही एग्जाम हुआ है। तो आप सबने दे दिया एग्जाम, आप सब लोग जानते हैं। तो देखो यार, सिंपल सा लॉजिक ये है कि एग्जाम टफ था कि आसान था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, या उसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उस पर कट ऑफ डिपेंड करेगा आपका, सिंपल सा लॉजिक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स को भी ज्यादा अच्छे से बता सकता हूं। बेटा फिजिक्स का पेपर आपको भी पता है कि इस बार का लड्डू है, लड्डू फिजिक्स का पेपर क्या है, लड्डू है, और इसमें आपका एक सवाल जो था वो उसकी फ्रेमिंग गलत हुई थी, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो बोनस था। आपको भी पता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, आपको पता है जब आप इंसिडेंट रेडिएशन की को बढ़ाते हैं तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया था, न्यू के लिए क्या दे दिया, V0/2 दे दिया, और U/2 के लिए V0 दे दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कम करो और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, आपने पढ़ा है सब। तो वो बोनस था वहां पे, वो 4 नंबर मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो अपन लेके रहेंगे, क्योंकि वो गलत है।
ठीक है। और जो पेपर था वो बहुत ही आसान था फिजिक्स का, लेकिन फिजिक्स के पेपर आसान होने से क्या पूरा पेपर आसान हो जाता है, इस पे भी अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा महत्व तो कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम में, कौन सा सब्जेक्ट टफ हो जाए तो एग्जाम टफ हो जाता है या उसमें स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार एससी और एसटी के कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। क्यों आने वाला है उन फैक्टर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो फिजिक्स का पेपर तो नो डाउट लास्ट ईयर से तो बहुत आसान था, ये 2020 वाला जो अपना फिजिक्स था ना उस टाइप का पेपर था, बहुत ही आसान था, कैलकुलेटिव भी नहीं था, कैलकुलेशन तो थे ही ना मात्र के थे, और बहुत सारे ऐसे भी सवाल थे जिसमें आप ऑप्शन को देख के ना इलिमिनेट कर सकते थे कि भाई साहब बिना सॉल्व किए ऑप्शन को देख के इलिमिनेट कर सकते थे, तीनों आंसर नहीं हो सकते इसका मतलब। आपको पता है जब भी मैच द कॉलम आता है तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें आप कोई भी एक मिला लो, मैच कर लो जो डिफरेंट दिख रहा हो आपको, बाकी ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाता है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के सवाल थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बहुत सारे वो सवाल थे। चलो अब छोड़ो ये सब बातें नहीं करते, आपको बस ये बोलूं बहुत आसान था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में यार लास्ट ईयर से तो थोड़ा सा टफ था। कैसे टफ था, लेंथी था, एक सवाल में तीन चार सवाल को मिक्स कर दिया गया, और वो भी ट्रिक के साथ मिक्स किया गया है, ट्रिकी टाइप का पेपर था। कुछ सवाल अच्छे थे, स्टैंडर्ड थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर जो था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, हायर साइड पे था यानी लेंदी था। लेंदी देखो अलग होता है और डिफिकल्ट अलग होता है, डिफिकल्ट जिसमें सवाल टफ होते हैं, और लेंदी का मतलब ये होता है सवाल तो आसान थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे। तो यहाँ पर नहीं बोल सकते केमिस्ट्री का पेपर लेंदी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, कैलकुलेटिव तो नहीं था लेकिन लेंदी था। इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि उन्होंने जो एजर्सन रीजन आपसे सवाल पूछे उसमें ट्रिक लगा दी। अब मान लीजिए उन्होंने तीन लाइन उसमें लिखी हो तो दो लाइन तो करेक्ट है, लेकिन तीसरी लाइन में कोई एक शब्द को उन्होंने अलग कर दिया जिसकी वजह से वो इनकरेक्ट हो गया, तो बच्चे यहाँ पे फंसे, कहीं ना कहीं फंस चुके। और अब आते हैं बायोलॉजी में, तो आपको पता है कि इन दोनों सब्जेक्ट से जितने मार्क्स मिलते हैं उतने सब्जेक्ट ये अकेले देता है हमको, आपको पता है ये चीज। तो भैया बायोलॉजी की बात ऐसी है कि सब लोग सबसे पहले बायोलॉजी ही बनाते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो यही बनाते हैं, और क्या होता है यहाँ से उनको ये लगता है बायोलॉजी हमारा अच्छा जाएगा तो फिर हमारा केमिस्ट्री भी अच्छा जाएगा, फिजिक्स भी अच्छा जाएगा। और फिजिक्स के लिए देखो फिजिक्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये आपको समझना पड़ेगा चीज को, एवरेज बच्चों के लिए फिजिक्स के पेपर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो यार फिजिक्स आपको भी पता, आप लोग लास्ट में ही बताते हो, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता वो आसान है कि टफ है, क्योंकि आप लिमिटेड टाइम ही आपके पास बचता है। तो और इस बार तो और ज्यादा दिक्कत है, जो बच्चे फिजिक्स के लिए एक से डेढ़ घंटा टाइम निकाल पा रहे थे वो इस पेपर में नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया केमिस्ट्री लेंदी था और यहाँ पे बायोलॉजी भी लेंदी था और एक सवाल के अंदर उन्होंने चार चार सवाल ऑप्शन के थ्रू घुसा दिए थे, तो बच्चों को हर स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। बायोलॉजी भी ऐसे आसान था, कोई ऐसे टफ सवाल नहीं थे, लेकिन वही बात है कि लेंदी था, पूरा पढ़ना पड़ रहा था और बहुत बड़े बड़े सवाल थे, मतलब लैंग्वेज के तौर पर अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजी भी टफ था, और सबसे ज्यादा फर्क इसी का पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एससी और एसटी का यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करेगा इस बार, क्योंकि एससी और एसटी मैक्सिमम जो फोकस करते वो सब्जेक्ट पे नहीं करते, वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे फोकस करते, और यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इनकी बढ़ गई और इसकी बहुत कम कर दी, इसकी बहुत ज्यादा कम कर दी और इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी, इसकी भी थोड़ी सी बढ़ा दी, इसको लेंथी कर दी। और यहाँ पे बच्चे जब पैनिक करते तो इन दोनों में कही जाती है, सभी फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भैया मुझे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पेपर बच्चों का एवरेज बच्चों का मैं बात करूँ बेटा, एवरेज बच्चों, मैं टॉपर्स की बात नहीं करूँ, टॉपर्स के लिए पेपर बिल्कुल 720 में 720 वाला था, वो तो तुरंत फोड़ देते हैं, मैं बात करूँ एवरेज बच्चों की, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर बच्चे जो है वो एवरेज ही है, तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो एवरेज बच्चे होते हैं, क्योंकि देखो यार वो फिजिक्स के लिए वैसे भी सब्जेक्ट से डरते हैं, तो इसमें आसान आ जाए टफ आ जाए उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका लेंदी हो जाना और इसका लेंदी हो जाने से उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एससी और एसटी आप जैसे कि मैंने बताया इन पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको जो मार्क्स चाहिए रहते, फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, तो इन दोनों सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं और इन्हीं को दोनों थोड़ा सा इस बार लेंदी कर दिया था, तो इन सभी फैक्टर्स पे हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कट ऑफ जाएगा, मुझे थोड़ा सा समय और लगेगा, आज मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ नहीं दे सकता बेटा, मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता मुझे आपको करेक्ट कट ऑफ देना है, एक नंबर भी ऊपर नीचे ना हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, इसके लिए मुझे 2 से 3 दिन का समय लगेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट से 9 बच्चे हैं जिनका 600+ मार्क्स आ रहा है, और हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट मार्क्स जा रहा है एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूँ वो 666 जा रहा है, फिर 651 इस टाइप से जा रहा है, मैं यूट्यूब कम्युनिटी में डाल दूँ तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहा है, ठीक है।
तो ये सब बातें तो हो गई। तो भाई साहब कट ऑफ तो मैं अभी नहीं बता सकता, 2-3 दिन का आपको समय देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपके 550 प्लस मार्क्स है तो आपको कंफर्म कॉलेज मिल रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनरिजर्व और ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका 550 से ऊपर आ रहा है। एससी एसटी का क्या जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बाकी सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। बाकी मैंने आपको बता दी कि पेपर का एनालिसिस करके बता दिया यहाँ पे कि कैसा रहा, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर आपका पेपर खराब गया है लेकिन आपका ड्रीम है कि नहीं हमको तो डॉक्टर बनना है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं होता, आप कर सकते हो। आप अपने ऊपर भरोसा रखे, आप करोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, तो आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। तो यही सब मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताना था। मिलते हैं कभी और, बहुत ही जल्द मिलेंगे, टेंशन मत लो, और उसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। चलो टाटा बाय बाय।